अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिलसिला खाने का। आज हम बना रहे हैं नान। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम गरम दूध में 1 टीस्पून ईस्ट डाल के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। 4 कप मैदा है, देखिए। अब इसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे जो इस तरह हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। अब डालेंगे 2 टीस्पून शुगर। अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। 1/2 कप कर्ड डालेंगे इसमें। हम डालेंगे एक्टिवेटेड ईस्ट। अच्छे से गूंदेंगे। अब इसे हम मिला लें या गूंद लें, अच्छे से नरम सा डो बनाएंगे हम। देखिए इसी तरह से बनाएं आप भी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। देखिए हमारा आटा गूंद उठा है। अब इस पर हम 1 टीस्पून ऑयल लगा देंगे ना। सॉफ्ट हमारा डो होना चाहिए, देखिए इस तरह से। और इसे अब 1 घंटे के लिए हम गर्म जगह पे रख देंगे। ये 1 घंटा हो गया है, हमारा आटा अच्छे से राइज हो गया है। देखिए कितना कितना अच्छे से ये डबल हो गया है आटा हमारा। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर एक बार मिला लेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। अब इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं तो बड़े बड़े बनाऊंगी, मुझे बड़ी बड़ी नान बनानी है। नान कह लें, तंदूरी रोटी कह लें। देखिए इसी तरह हमें गोल गोल बनाना है। पहले हम सब लोइयों को बना के रख देंगे, उसके बाद पेड़े बना कर रख देंगे, फिर हम इसे बनाएंगे। देखते हैं, देखिए अब एक करके बेल लेंगे इसको। इस तरह से बनाएंगे, फिर हम इसे बेल लेंगे सूखा आटा लगा लगा के थोड़ा सा, और इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे। आप कोई भी इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल बनाएं, गोल बनाएं। इस पर अब हम लगाएंगे थोड़ा सा, स्प्रिंकल करेंगे काली तिल और थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर डालेंगे। बेलन से इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे ताकि ये अच्छे से इस पर चिपक जाए। इसको हम फ्लिप कर देंगे। अब इस पर हम पानी से ग्रीस करेंगे। देखिए पानी है, ये अच्छे से पूरे में ग्रीस कर देंगे। अब हम पानी वाला हिस्सा नीचे रखेंगे और तिल वाला ऊपर रखेंगे। देखिए देखिए रो किस तरह से हमारा हमारी तंदूरी रोटी देखिए फूल रही है। इसकी पहचान यह है कि मेरा आटा बहुत अच्छे से राइज हुआ है और हमारी ये नान बहुत प्यारी बनने वाली है। अब हम तवा उल्टा कर देंगे। देखिए किस तरह से माशाल्लाह फूक रही है हमारी तंदूरी रोटी, माशाल्लाह। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और वाकई में इतनी यम्मी ये बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसे खुद बनाकर देखें, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगी, इसे आप बनाकर देखें। देखिए अब इस पर हम लगाएंगे बटर। अब इस पर एक ट्विस्ट है, आप देखते रहें इसको। बटर लगा दिया मैंने। इसे हम फिर से दोबारा एक बार फिर से इसको हम सेकेंगे डायरेक्ट। देखिए अब ये ट्विस्ट क्या है आप जानते हैं। इस तरह से अगर हम इसको कर देते हैं, बटर लगाने के बाद दोबारा से सेकते हैं, तो इससे हमारी रोटी में एक तरह से फ्लेवर आता है, तंदूरी फ्लेवर आता है और रोटी से लगता है तंदूर से बनकर आई है। देखिए कितने आसानी से निकल आई, माशाल्लाह। देखें इतनी सॉफ्ट इतनी टेस्टी बनी थी हमारी नान। आप इसे ज़रूर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। देखिए कितनी नरम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा दी। इसे देखिए पीछे से भी कितना अच्छा इसका कलर आया, आगे से भी देखिए। अब इसे मैं आपको खा के भी दिखा दूँ। चलिए दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा चिकन, सॉरी चिकन लबाबदार नहीं, पनीर लबाबदार है ये। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद है आप मेरी वीडियो को शेयर भी करते होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।